अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, ये हो रहा है दोपहर का टाइम और मैंने लमाया को थोड़ी देर के लिए वॉकर में बिठा दिया था। यहाँ तकरीबन 4 बज रहे हैं और आज व्लॉग लेट शुरू करने का रीज़न ये था कि मैं प्रीवियस व्लॉग एडिट कर रही थी, तो वो एडिट करके पोस्ट करने के बाद मैंने व्लॉग शुरू किया था अपना। चलिए, जब तक ग्रॉसरी आती है तो मैं आप लोग को फिर से अपने डॉग्स दिखाती हूँ। मैंने पहले व्लॉग में भी दिखाए थे लेकिन इतने सही नहीं थे, तो अभी मैं केज के अंदर जाके आप लोगों को डॉग्स दिखाती हूँ अपने। क्रिस, ये क्यों नहीं आ रही? जेन, ये वो ग्रेस है, इसको लेके जाना है। ग्रेस, खोल नहीं फिर पिंजरा में अंदर आऊं। और आराम से अच्छा, यहाँ पर अब बस 40 मिनट्स रह गए थे रोज़ा खुलने में, और फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी जो है वो इफ्तारी बनाई, और ये मैं मलाई बोटी जो है वो मैरिनेट करने लगी। यह मैंने चिकन में स्पाइसेस ऐड कर दी हैं, जिसमें क्यूमन पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सूखा धनिया था, और आई गेस हाँ एक पपाया पाउडर भी था इसमें मीट को टेंडराइज करने के लिए, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट था जिसमें मैंने 2 हरी मिर्ची भी लेके जो है वो कूटती थी साथ में, और इसमें ऐड की थी। और ये रेसिपी मेरी नहीं, मेरी मम्मा की है, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है मलाई बोटी की। और ये मैंने इसमें ऐड किए सोया सॉस और विनेगर, और फिर मैंने इसमें एक पूरा पैक क्रीम का ऐड किया था। आप लोग भी क्रीम ऐड करें डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ योर चिकन, अगर इससे थोड़ा है तो पूरा पैक नहीं ऐड करें। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ले लिया था और थोड़ा सा दही भी ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया, और मुझे फ़ौरन बनाना पड़ गया था क्योंकि इफ्तारी में बिल्कुल 20 मिनट्स रहते थे, लेकिन आप लोग जो हैं वो इसको मैरिनेट करके रखें एटलीस्ट फॉर एन आवर और उसके बाद बनाएं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। हेलो गाइस, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर है। और यहाँ एज यूजुअल हमारे पकोड़े बन रहे हैं, और पकोड़े लिटरली हर घर में बनते हैं इफ्तारी में। ये बनी है।
प्याज में कि भी मेरा सीरियसली और यहाँ पे मुझे इफ्तारी करते हुए ही कॉल आई थी मेरे हस्बैंड की, और फिर उनके साथ कोई गेस्ट आ रहे थे घर पे, तो हम लोग ने अपनी इफ्तारी करने के बाद उनके लिए खाना प्रिपेयर किया। और अब रात का टाइम था और हम लोग किचन में आए थे पहले कुछ बनाने के लिए, तो मैं ट्यूना सैंडविचेस बना रही थी और फ्राइज़ बना रही थी। और आप लोगों को लग रहा होगा आज पूरा दिन हम लोग किचन में रहे हैं, पूरा दिन किचन में नहीं रहे, लेकिन मेरे पास कुछ व्लॉग करने के लिए नहीं था, तो फिर मैंने यही चीज़ें व्लॉग की हैं। तो आई गेस इट्स अ व्लॉग जिसमें व्हाट आई ईट इन अ डे होता है, वही चीज़ सारी मैंने। ये लोग ना बर्तन तोड़ते बहुत है इसीलिए लोहे वाले ग्लास रखे हुए हैं। ये भी हम लोग खाने लगे और हम लोग ड्रामा देखेंगे। बट हम बोल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट। ये रखे आए खाने के लिए खाना। ये दो इसको। इतना बड़ा पीस ना दो, इतना बड़ा दो, ठीक है छोटा पसा लेगी ये। इतना इतना मतलब इतना दे दो। कैसे ये मुझे नहीं मजेगी लगी। उसने बादाम खाया। ये क्या है? स्ट्रॉबेरीज नहीं, ये खाया तो अपन खाया था ना कल।